अब हमारा एलिजरीन है, ठीक है। अब एलिजरीन क्या होती है? 1,2-डाईहाइड्रोऑक्सी, ये है एंथ्रा क्यूनॉन, ठीक है। 1,2-डाईहाइड्रोएंथ्रा क्यूनॉन, ठीक है। एंथ्रासीन हम आपको प्रैक्टिकल में देते भी हैं, ये है एंथ्रासीन, ठीक है। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड ओ आ गया तो देखो एंथ्रा क्यूनॉन, ठीक है। तो क्या आया ये? 1,2-डाईहाइड्रो एंथ्रा क्यूनॉन, ठीक है। तो इसको हम कहाँ से, एलिजरीन हमें क्या बन, कहाँ से मिलता है? तो ये हमारा एक प्लांट है, मैडर प्लांट है, MADTER, मैडर प्लांट है। इसकी रूट से हम इसका एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन सी डाई का? एलिजरीन डाई का, ठीक है। किसका? मैडर प्लांट की रूट से हमें एलिजरीन डाई मिलती है। होती क्या है? 2,1,2-डाईहाइड्रो एंथ्रा क्यूनॉन, ठीक है। अब है इसकी प्रिपरेशन मेथड। तो हम इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो हम सबसे पहले लेते हैं, इसके लिए थैलिक एनहाइड्राइड ही लेते हैं, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, एंथ्रासीन में भी हमने ये लिया था, फ्लोरिसेंस में भी हमने ये लिया था, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड लेके हम इसका बेंजीन के साथ क्या करते हैं? फिडर क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो ये क्या होता है? आपका एसाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा? यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये वाला सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किसी बेंजीन के हमने इस पोजीशन में किसी भी दिखा सकते हो, एसाइलेशन मोनो। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस बेंजीनिंग में हमने एसाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये एसाइलेशन, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? फिर आप थैलिक एनहाइड्राइड का है। इसके बाद हम इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या करता है? साइक्लाइजेशन कर देता है यहाँ का H, और ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है उससे वाटर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा अभी? ये देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और था, ये डबल बॉन्ड ओ, वाटर निकल गया। अब हम क्या करते हैं? इसका सल्फोनेशन करते हैं, ओलियम के साथ इसको हीट करते हैं। तो सल्फोनेशन करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ। तो इसकी जो सेकंड पोजीशन है इसमें हो जाता है SO3H आ जाता है, सल्फोनेशन किया है। अब हम उसका सॉल्ट बना लेंगे। तो क्या एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो पहले हम इसका सॉल्ट बनाते हैं। बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आ जाएगा SO3H। जब हम इस कंपाउंड को फ्यूज़ करते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, और अंडर प्रेशर अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? ये मैंने आपको गलत बना दिया है, इसका सोडियम सॉल्ट बनाना भी भूल गई और गलत पोजीशन में लगा दिया है, SO3Na, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। ये डबल बॉन्ड ओ, तो हमारे क्या हो, सल्फोन, जो ये सोडियम सल्फोनेट ग्रुप है यहाँ पर आ जाता है OH, और यहाँ पर भी एक OH आ जाता है, जिससे हमारी ये डाई बन जाती है। कौन सी डाई बन जाती है फिर हमारी? एलिजरीन। एलिजरीन मैंने पहले भी बताया था कि एक मॉडरेट डाई है, ठीक है। तो हमने एल्युमिनियम के साथ उस समय उसका फैब्रिक के साथ मैंने इसका इंट्रैक्शन दिखाया था, ठीक है। तो इसका कलर जो होता है, कलर होता है इसका रूबी रेड, रूबी रेड कलर होता है, ठीक है। और ये सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये है आपका एलिजरीन। तो क्या होता है एलिजरीन? हमारा क्या है? 1,2-डाईहाइड्रोक्सी एंथ्रा क्यूनॉन है, मेडल प्लांट की रूट से एच मिलता है। प्रिपरेशन थैलिक एनहाइड की बेंजीन के साथ फीडर क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, एसाइलेशन करते हैं, फॉलोड बाय हम क्या करते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसका OH, कार्बोक्सिलिक का OH, और ये H क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और साइक्लाइजेशन हो जाता है। इसके ओलियम के साथ हमने सल्फोनेशन किया, सल्फोनेशन किया हमने बेस के साथ, इसका सोडियम सॉल्ट बना लिया। फिर हम इसका फ्यूज़ करते हैं पोटेशियम NaOH प्लस पोटेशियम क्लोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमोसफेयर प्रेशर। तो हमारा क्या होता है? एलिजरीन बन जाती है। डेट इज़ वाई एक मॉडरेट डाई है, और मॉडरेट डाई मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, तो इनका इंट्रैक्शन आप वहाँ से दिखा सकते हो उसमें।
थैंक यू।